हेलो गुड मॉर्निंग सलाम अलैकुम हैव अ नाइस डे हाउ आर यू माय फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है? आज हम आपको दिखाने वाला है सांबर बनाने का तरीका। आपको बता रहे सांबर एक दो तीन तरीके से बना सकते हैं। आज हम एक तरीका बता रहे आपको, जैसे आप थोड़ा सब्जी सब ज़्यादा डाल के अपना घर घर में बनाते हो हिसाब से। और दूसरा एक है सद्या का सांबार बोलते हैं वो केरला में, उसमें आपको खाली ड्रमस्टिक कैरेट और टमाटर वगैरह बस थोड़ा कुछ चाहिए, लेकिन इसमें हम थोड़ा कुछ वेजिटेबल ज़्यादा डाल दिया। एक चूरन का पीस लिया, छोटा छोटा कट कर दिया, कोवक्का है, बीन्स है, कैरेट है, ड्रमस्टिक है, सब दो दो पीस लिया, और एक प्याज कट करके चार पीस कर दिया, पम्पकिन है छोटा वाला। ओके, ये वेजिटेबल है, साथ में भिंडी है, छह भिंडी है उसको हम दो पीस कर दिया, और एक टमाटर है उसको चार पीस कर दिया। एक टमाटर को हम ऐसे कट कर दिया और छह भिंडी को, एक भिंडी को दो पीस करके कट कर दिया, और छह हरा मिर्ची है, 12 पीस गार्लिक है। और इसके लिए चाहिए थोड़ा इमली, पहले पानी में डाल के रखने का, वो बना के इसका पानी निकालने का। ओके, प्लीज वॉच माय वीडियो टिल एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो, लाइक एंड शेयर प्लीज एंड कमेंट प्लीज। अब ये है सेकंड स्टेप, हम इमली का पानी निकाल के गैस पर रखा, ये जरा बॉयल होकर आने दो, इसके बाद इसमें डालने का ड्रमस्टिक। पहले इमली का पानी बॉयल होकर आने दो, इसके बाद ड्रमस्टिक डालने का, और इसमें हम और भी चीज ऐड करने वाला, वो आपको आगे आगे दिखाएगा। इमली का पानी बॉयल हो रहा है और इसमें हम थोड़ा नमक ऐड किया, एक आधा टीस्पून से भी कम। तो हम दाल बना के रखा, दाल में भी हम नमक डाला इसके लिए। अभी इसमें हम ड्रमस्टिक डाला, दो ड्रमस्टिक है इसका, इसको साफ करके रखा था वो अभी इसमें डाल दिया। ये जरा बॉयल होने दो। भी ड्रमस्टिक इसके लिए हम पहले डाल दिया, क्यों मालूम है? ड्रमस्टिक एक अच्छा स्मेल है, वो इसमें फ्लेवर पकड़ेगा ये इमली का पानी में अच्छा से। इसके लिए ड्रमस्टिक पहले डालने का सांबर बनाने के टाइम। अभी ड्रमस्टिक और इमली का स्मेल अच्छा से आ रहा है, अच्छा खुशबू आ रहा है इसका। अभी इसमें जो बाकी कट करके रखा वो वेजिटेबल पूरा डालने का, पूरा नहीं, इसमें भिंडी और टमाटर आप अलग करने का, भिंडी आप अलग थोड़ा फ्राई करके डालने का, और टमाटर थोड़ा बाद में डालने का। अब ये सब चीज़ हम इसमें डालने वाला, लहसुन, हरी मिर्ची, सब वेजिटेबल जो कट करके रखा इसमें डालेगा। अभी ये पूरा वेजिटेबल इसमें डाल दिया, इसमें ऐड किया। अभी इसको चाहिए थोड़ा पानी का ज़रूरत है, थोड़ा पानी, गर्म पानी इसमें ऐड करने का, याद रखो गर्म पानी ऐड करने का। ओके, हम इसमें अभी गर्म पानी ऐड किया, अभी इसको अच्छा से बॉयल होने दो। ये सांबर का दूसरा स्टेप है। ये मसूर का दाल, 200 ग्राम मसूर का दाल हम बना के रखा। अभी जो सब्जी सब जरा अच्छा से बॉयल होके अच्छा से थोड़ा पकने के बाद ये दाल उसमें मिक्स करने का, 200 ग्राम मसूर दाल, इसको हम काली हल्दी और थोड़ा नमक डाल के पका के रखा। अभी अच्छा से बॉयल हो रहा है। अभी इसमें हम जो बना के रखा दाल, 200 ग्राम का दाल बना के रखा मसूर दाल, वो इसमें ऐड करेगा। अभी इसमें दाल ऐड की हमने,
सांबर हमेशा याद रखने का, एकदम गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा पतला चाहिए सांबर। अगर आपको चाहिए तो गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन सांबर हमेशा पतला चाहिए। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, इसमें ऐड करने का गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं है, पानी गर्म करके इसमें डालने का, इसमें ऐड करने का। एक बार अच्छा से बॉईल होने के बाद आप इसमें ऐड करने का एक टीस्पून, एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी, क्यों हल्दी इसमें हम डाल दिया थोड़ा ऑलरेडी दाल में, और जीरा बड़ी सौंफ, अक्का धनिया पीस के इसका पाउडर 2 टीस्पून। अभी अच्छा से बॉयल हो रहे हैं, अभी वो मिक्स करना चाहिए, अभी वो सब डाल दिया। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, हम जरा उसको भूनने के बाद डाल दिया, थोड़ा भून के इसमें डाला है तो अच्छा लगेगा। सो आपको मनते तो आप भून के डाल सकते हैं, ये तो आपके लिए हम ऑप्शन दे रहे हैं। अभी आप इसका नमक वगैरह सब टेस्ट करने का, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, और ये सब्जी वगैरह थोड़ा पकने का, पकने के बाद उसमें दूसरा एक काम है वो भी आपको हम बताएगा। अभी इसमें हम ऐड करेगा जो कट कर कर रखा टमाटर, टमाटर पहले नहीं डाला, अभी डालेगा इसमें, अभी ऐड करेगा, अभी टमाटर ऐड किया। जिम्मे हमने सांबार बनाया, बोलेगा तो मेरा साली है हैदराबाद में, वो पूछेगा हमेशा, जीचू कभी हमको बना के देते सांबार, साली आप ये बना के देख लो, आप बना के सांबार खाओ अभी, ओके, ये आपके लिए भी बना रहे अभी। हमारे हिसाब से इसमें नमक वगैरह सब एकदम परफेक्ट है। अभी इसमें हम जो कट करके रखा भिंडी वो जरा फ्राई करके इसमें डालेंगे, ऐड करेगा भिंडी, इसके लिए हम फ्राई करके डाल रहे भिंडी, उसमें कड़ा ऐसे डाले, ऐसे मिक्स करेगा तो उसका टेस्ट ऐसा लग रहेगा। जो आप फ्राई करो, फ्राई करके ऐड करने के लिए। अभी हमने जो फ्राई किया भिंडी इसमें ऐड कर दिया, अभी इसमें ऐड करने का सांबर मसाला। सांबर मसाला अभी हम बाजार से लेके आया, वो इसमें ऐड करेगा। सांबर मसाला अपना घर में भी बना सकते हैं अच्छे तरीके से। ये 2 टेबलस्पून सांबर मसाला है, अभी इसमें ऐड किया, अभी इसको अच्छा से मिक्स करने का, फिर अच्छा से बॉयल होने के लिए। अभी इसमें हमको हींग डालने का, हींग ऐड करने का, सांबर बघारने के लिए चाहिए थोड़ा कड़ी पत्ता, अक्का मिर्ची, थोड़ा हींग साथ में, और राई। हम बताएगा, देखो मेरा सांबर खुल रहा है, अभी मेरा सांबार तैयार हो रहे हैं। अभी इसको बघारने का, बघारने के लिए हम बोला अक्का मिर्ची, कड़ी पत्ता, राई, थोड़ा हींग साथ में। बघारने के टाइम आप साथ में थोड़ा कलौंजी डालो, वो अच्छा रहेगा। अभी बघार के इसमें डाल दिया, ऐड कर दिया। अभी ये तो 2 मिनट जरा बॉयल होने तो उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। अपना सांबार रेडी। फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नाउ इट्स रेडी टू ईट सांबार। ये आप खा सकते लंच के साथ, और सुबह ब्रेकफास्ट में डोसे के साथ, या आप लंच में भी ले सकते हैं चावल के साथ, और सुबह नाश्ता में डोसा इडली वगैरह सब में कर सकते हैं, ओके। अगर लंच में आप खाएगा इसके साथ मच्छी फ्राई,
और पिकल भी रहेगा तो बहुत मजा आएगा, एकदम यम्मी। इसको रात में भी, डिनर में भी ले सकते हैं रोटी के साथ।